हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में और मेरा नाम है अमन त्रिवेदी। आप सभी लोग जानते हैं इस वीडियो सीरीज में हम लोग वर्ड पावर मेड इजी जो हमारी किताब है उस बुक से हम लोग वोकैबुलरी को सीखते हैं और उसमें जो पीछे की साइड में जो वोकैबुलरी दी गई है उसको हम लोग कवर कर रहे हैं। तो इस सीरीज में हमने टोटल अभी तक 6 वीडियोज कवर कर लिए हैं और ये आपका आज सीरीज में 8वां वीडियो है। 7 वीडियोज हो चुके हैं हमारे और आज हमारा 8वां वीडियो है इसी सीरीज में। ठीक है, तो इसको शुरू करते हैं और आज डिस्कस करेंगे आगे के वीडियोस, आगे के वर्ड्स को हम लोग। ठीक है, सो बिफोर आई प्रोसीड आई वुड लाइक टू टेल दैट द वीडियो इज बीइंग प्रेजेंटेड बाय मी अमन त्रिवेदी। आप लोग मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अनअकैडमी पर अगर आपने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, आप AMANT, ये मेरा रेफरल कोड है, इसको इस्तेमाल करके सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पे। साथ ही साथ डेली 5 बजे, दोपहर में 5 बजे, शाम को 5 बजे मेरी डेली फ्री क्लास होती है अनअकैडमी पर, इंग्लिश मॉक टेस्ट फॉर SSC एग्जाम्स नाम से। आप इसमें एनरोल कर सकते हैं और इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ये आपकी क्लास होती है। इसकी लिंक आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। अगर टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो @AmanTrivedi टेलीग्राम पे जाके सर्च करिए या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहला ही लिंक दिया गया है उस पर क्लिक करेंगे तो आप टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाएंगे और टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाएंगे तो वहां पे आपको इस वीडियो की PDF भी मिल जाएगी। PDF आपको एक दिन लेट से मिलेगी, जैसे आज ये वीडियो आ रहा है तो इसकी PDF आपको कल मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा अगर Instagram पे फॉलो नहीं किया है तो Instagram पे फॉलो कर लीजिए। Instagram पे फॉलो करने के लिए आप सर्च कर सकते हैं @AmanTrivedi, बस आपको आखिरी में 2 I लगाने हैं, एक तो त्रिवेदी का है और एक और I लगाना है, उसके बाद आप Instagram पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसी सीरीज में अपने वर्ड्स को। बिफोर आई स्टार्ट, मैं आपको एक बात ये कहना चाहूंगा कि अगर आप लोग ये चाहते हैं कि ये सीरीज हमारी कंप्लीट हो और मैं पूरी डिक्शनरी को कंप्लीट करूं, तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए ज्यादा से लोगों के साथ में और आप भी इस वीडियो को पूरा देखिए। आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देख रहे हैं, पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको कुछ बेनिफिट होगा और मुझे भी, तभी आपको पता लगेगा कि आप लोग ज्यादा लोग देख रहे हैं। आप ज्यादा लोग देखेंगे तो वीडियो को YouTube ज्यादा सजेस्ट करेगा तो हम ज्यादा लोगों तक पहुंच सकेंगे। इसलिए वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, लाइक जरूर, अगर वीडियो तक आ गए हैं तो लाइक करें बिना मत जाइए और कमेंट में अटेंडेड लिखकर जरूर जाइए कि आपने वीडियो देखा है अगर तो। ठीक है, पहला वर्ड हम शुरू करते हैं। पहला वर्ड है हमारा आपका कैकोफोनी। कैकोफोनी का मतलब हो जाता है अ मिक्सचर ऑफ लाउड अनप्लीजेंट साउंड्स। इसमें देखिए जो रूट वर्ड है वो है आपका कैको। कैको का मतलब होता है बैड, इसी से आता है कैकोग्राफी। ग्राफी मतलब होता है लिखना, कैकोग्राफी मतलब बैड हैंडराइटिंग, कैली मतलब अच्छा, कैलीग्राफी मतलब खूबसूरत हैंडराइटिंग, ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग। फोनी, फोनस का मतलब होता है साउंड, तो कैकोफोनी का मतलब हो गया बैड साउंड, यानी कि जो बहुत ही कर्कश सुन ध्वर हो, ध्वनि हो, कर्कश स्वर के लिए आता है आपका कैकोफोनस या फिर कैकोफोनी। NY लगेगा तो ये नाउन है, OUS लगेगा तो वो एडजेक्टिव है आपका। सिनोनिम इसके क्या हो जाएंगे, बेबल, ब्लेयर, ब्लस्टर, चैरेट, चैटर, डिस्कॉर्डेंस, नॉइस, रैकेट, रैटल, सोर। और एंटोनिम्स क्वाइट हो जाएगा, साइलेंस हो जाएगा, डल्सेट साउंड हो जाएगा, DULCET, और कर्णप्रिय संगीत हो जाता है इसके लिए साइलेंटनेस, स्टिल, स्टिलनेस हो जाएंगे। ऑल अराउंड वॉज बबलिंग आ कैकोफोनी, यानी कि बहुत शोर मच रहा था आसपास में। तो कैकोफोनी को याद रखने के लिए आप किसी भी प्रकार की खराब ध्वनि याद रख सकते हैं। जिन लोगों ने फ्रेंड्स जो वेब शो है, टीवी शो है, जिन्होंने देखा है उन्हें ये कैरेक्टर जरूर याद होगा, जैस्मीन जो शैंडलर की जो गर्लफ्रेंड होती है, तो उसकी जो साउंड था, उसकी जो हंसी थी वो दैट वाज वेरी कैकोफोनस। तो कैकोफोनी के लिए आप ये आसानी से याद रख सकते हैं। अगला जो हमारा टर्म है वो है कैडेंस। कैडेंस का मतलब क्या होता है, द राइज एंड फॉल ऑफ द वॉइस इन स्पीकिंग। जैसे मैंने बोला, तो जैसे राइज एंड फॉल ऑफ इन द वॉइस ऑफ स्पीकिंग, किसी को कोई बात बोलने के इस वक्त में जो राइज एंड फॉल होता है इन द वॉइस इन स्पीकिंग इज कॉल्ड आपका कैडेंस। ठीक है, सिनोनिम्स हो जाएंगे बीट, मेजर, मैटर, रिदम। He delivered his word in slow, measured cadence, यानी कि बहुत ही measure करके वो अपनी voice में उतार चढ़ाव ला रहा था। तो cadence मतलब हो जाता है voice में जो उतार चढ़ाव होते हैं उन्हें हम cadence कहते हैं। Adjective हो जाएगा cadenced। ठीक है, अगला term हमारा क्या होता है, अगला term है cajole। Cajole का मतलब होता है to make somebody do something by talking to them and being very nice to them। किसी से बहुत ही नाइस होना और उनके उनसे वो काम करने के लिए उन्हें बहलाना, फुसलाना, तो उसके लिए आता है कजोल आपका।
कजोल मतलब किसी को बहलाना फुसलाना कुछ काम करवाना। सिनोनिम हो जाएगा ब्लैंडिश ब्लाने कोक्स पैलेवर सॉफ्ट सोप स्वीट टॉक विडल परसुएड हो जाएगा। ही रियली नोज हाउ टू कजोल पीपल, वो जानता है कि लोगों को कैसे बहलाया फुसलाया जाता है, ठीक है, इन डूइंग व्हाट ही वांट्स। तो आसानी से आप इसके थ्रू याद रख सकते हैं कि काजोल इज कजोलिंग अजय देवगन फॉर अ सैशे ऑफ विमल केसरी, बोलो जुबा केसरी, ठीक है। तो कजोल याद रखेंगे, कजोल मतलब होता है बहलाना फुसलाना, इस एग्जांपल के थ्रू आप आसानी से इस टर्म को याद रख सकते हैं, कजोल साउंड्स लाइक काजोल, ठीक है। अगला टर्म हो जाता है हमारा कैलो। कैलो मतलब होता है यंग एंड विदाउट एक्सपीरियंस, बहुत ही नया व्यक्ति कच्चे के लिए आता है, यंग एंड विदाउट एक्सपीरियंस, ठीक है। एडोलेसेंट ग्रीन इमेच्योर इनएक्सपीरियंस जुवेनाइल प्यूराइल रॉ अनफ्लेश्ड हो जाएगा, और अनफॉर्म्ड अनराइप अनराइपेंड। एंटोनिम हो जाएगा अडल्ट एक्सपीरियंस्ड ग्रोन अप मैच्योर राइप मैलो MALLO, ये भी हो जाएगा OW हो जाएगा। मार्क वॉज जस्ट अ कैलो यूथ ऑफ 16 व्हेन ही अराइव्ड इन पेरिस, यानी कि मार्क सिर्फ 16 साल का था जब वो पेरिस में आया। तो कैलो मतलब होता है इमेच्योर अपरिपक्व, ठीक है। तो आप आसानी से इस पिक्चर को याद रख सकते हो, आप इन्हें पहचानते ही होंगे, पर्पेंडिकुलर इनका नाम है। पर्पेंडिकुलर वॉज अ कैलो यूथ व्हेन ही स्टार्टेड डूइंग रॉबरी, तो जब वो बहुत ही यंग था और बहुत ही मतलब पूरी एडोलेसेंस कंप्लीट नहीं की थी, टीनेज कंप्लीट नहीं की थी, और तभी उसने रॉबरी शुरू कर दी थी। तो आप आसानी से इसको याद रख सकते हैं, कैलो मतलब हो जाता है अपरिपक्व कच्चा, ठीक है। अगला हमारा टर्म कौन सा है, कैंडर। कैंडर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। कैंडर का मतलब होता है द क्वालिटी ऑफ सेइंग व्हाट यू थिंक ओपनली एंड ऑनेस्टली। तो कैंडर का मतलब हो गया अपनी जो भी आप सोचते हैं उस बात को बहुत ही ईमानदारी से और ओपनली कहना, क्या कहलाता है, कैंडर। सिनोनिम हो जाएगा ब्लंटनेस कैंडिडनेस डायरेक्टनेस फोर्थराइटनेस फ्रैंकनेस ऑनेस्टी ओपन हार्टेडनेस ओपननेस आउटस्पोकननेस प्लेननेस, ये सारे टर्म्स हमारे हो जाएंगे। और एंटोनिम क्या हो जाएगा, डिसेम्बलिंग डिसिमुलेशन इनडायरेक्शन इज द टर्म। फॉर एग्जाम्पल ही हैज अर्नड अ रेपुटेशन फॉर कैंडर, यानी कि उसने एक कैसी रेपुटेशन अपनी तैयार की है, जैसे कि वो बहुत जो सोचता है वो बोलता है। ऐसे कई सारे लोग होते हैं जो भी उनके मन में आता है, जो भी उनका ओपिनियन होता है वो बोलते हैं, जैसे कि अपनी कंगना दीदी, ठीक है। तो कैंडर के लिए आप ये सारे टर्म्स, मैंने आपको एक अवाव कराया था पहली क्लास में, परसों जो मैंने क्लास कराई थी उसमें अवाव टर्म कराया था। तो अवाव मतलब हो जाएगा कैंडिड फ्रैंकनेस कैंडिडनेस कैंडर, ये वहां से आ जाएगा। तो अवाव कैंडिड फ्रैंकनेस कैंडिडनेस कैंडर, ये सारे टर्म्स आप याद रख सकते हैं। और ये मैंने पिक्चर आपको उस दिन भी दिखाई थी कि जो मैं सोचता हूँ मैं बोलता हूँ आई अवाव माई ओपिनियंस, तो वहीं से आप इसे भी याद रख सकते हैं। अगला टर्म हमारा होता है आपका, वो है कैपिटलिज्म। तो कैपिटलिज्म बहुत आसानी से याद रख सकते हैं, कैपिटलिज्म पूंजीवाद को हम कैपिटलिज्म कहते हैं, पूंजीवाद, यानी कि जो रिच के रिच होने की, जो रिच लोगों के द्वारा पूरी पूंजी को इकट्ठा करने का जो सिस्टम है पूरा कैपिटलिज्म, दैट्स कॉल्ड आपका कैपिटलिज्म, पूंजीवाद जिसे कहते हैं। एन इकोनॉमिक सिस्टम इन अ कंट्रीज बिजनेस इंडस्ट्री आर कंट्रोल्ड एंड रन फॉर प्रॉफिट बाय प्राइवेट ओनर्स रादर देन बाय द गवर्नमेंट, यानी कि कैपिटलिज्म एक तरीके का सरकारी सिस्टम है, तंत्र है, जिसमें सरकार के द्वारा बिजनेस नहीं ओन किए जाते और बिजनेस ओन किए जाते हैं प्राइवेट फर्म्स के द्वारा, और प्राइवेट फर्म कंपनीज ही चीजें चलाती हैं, सरकार बिजनेस नहीं करती है। तो द सेंस ऑफ हिज आर्ग्यूमेंट इज दैट कैपिटलिज्म कैन नॉट सक्सीड, उसके कहने का मतलब यह है कि कैपिटलिज्म सफल नहीं हो सकता, कैपिटलिज्म पूंजीवाद कहते हैं, याद रखिएगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में ये पूछा जा सकता है, ठीक है। कैपिटलिज्म बहुत और अच्छे से समझना हो तो अपने जीएस वाले टीचर से पूछेगा, वो बहुत अच्छे से समझाएंगे। कैपिटुलेट, कैपिटुलेट का मतलब होता है टू अग्री टू डू समथिंग दैट यू हैव बीन रिफ्यूजिंग टू डू फॉर अ लॉन्ग टाइम, जो आप लंबे समय से मना कर रहे थे करने के लिए, आप वो आखिरी में कर रहे हैं, तो उसे कैपिटुलेट करना कहते हैं, यील्ड करना कहते हैं, समर्पण करना कहते हैं, सरेंडर करना कहते हैं, ठीक है। सिनोनिम हो जाएगा ब्लिंक बाउ बज कंसीव गिव इन कंकल अंडर क्विट रिलेंट सबमिट सकम सरेंडर यील्ड, ये सारे हो जाएंगे। एंटोनिम हो जाएगा रेजिस्ट करना, विरोध करना किसी चीज का। फॉर एग्जाम्पल ऑल्दो इट सीम्स टू अस दैट वी विल लाइकली कैपिटुलेट सून, यानी कि ऐसा हमें प्रतीत होता है कि हम जल्द ही समर्पण कर देंगे, ठीक है। तो आपको कैपिटुलेट के लिए ये पिक्चर बहुत अच्छे से याद आप रख सकते हैं, बहुत अच्छे से इसे समझ सकते हैं कि आपको याद है इसमें क्या हो रहा है। इसमें पाकिस्तान के जो जनरल हैं वो समर्पण कर रहे हैं भारत के सामने, अपने घुटने टेक रहे हैं। तो पाकिस्तान वॉज फोर्स टू कैपिटुलेट इन 1971 वॉर,
पाकिस्तान को 1971 वॉर में घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया गया था, ठीक है। तो कैपिटुलेट आप याद रख सकते हैं। अगला टर्म है कैप्रिशियस, OUS लगा है तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा। कैप्रिशियस का मतलब होता है शोइंग सडन चेंज इन एटीट्यूड और बिहेवियर, जो अपने व्यवहार में अपने बिहेवियर में सडन चेंजेस लेकर आए उसे आपका कैप्रिशियस कहते हैं, यानी कि बहुत जल्दी जल्दी अपने बिहेवियर में बदलाव लाए उसे कहते हैं कैप्रिशियस, इज अ कैप्रिशियस पर्सन। सिनोनिम हो जाएगा चेंजिएबल, चेंजफुल, फिकल माइंडेडनेस, फ्लक्चुएटिंग, फ्लूड, इनकंसिस्टेंट, इनकॉन्स्टेंट, मर्क्यूरियल, म्यूटेबल, स्किटिश, टेम्परामेंटल, अनसर्टेन। एंटोनिम हो जाएगा सर्टेन, चेंजलेस, कॉन्स्टेंट और इम्यूटेबल, ठीक है। इनवेरिएबल, प्रेडिक्टेबल, सेटल्ड। ही वॉज अ क्रूअल एंड कैप्रिशियस टायरेंट। टायरेंट मतलब होता है अत्याचारी, क्रूअल मतलब बहुत ही ज्यादा उग्र। तो एक बहुत ही उग्र और जल्दी जल्दी अपने बिहेवियर में बदलाव लाने वाला टायरेंट था, ठीक है। तो कैप्रिशियस याद रखने के लिए आप ये याद रख सकते हैं, आपको अच्छे से याद होगा कि आई एम अ कैप्रिसी गर्ल, ये ऐड आता था। तो कैप्रिसी गर्ल आप थोड़ा सा यहाँ पे इसे इस तरीके से याद रख सकते हैं कि शी इज अ कैप्रिशियस गर्ल। कैप्रिसी गर्ल यानी जो जल्दी जल्दी अपने दिमाग को बदलती है, तो लड़कियों के जो सोच है वो वैसे भी बहुत जल्दी जल्दी बदलती है, इसीलिए शॉपिंग में वो कई सारे सामान खरीद लाती हैं, ठीक है, विद नो ऑफेंस टू एनी गर्ल। तो कैप्रिशियस आप याद रख सकते हैं, मतलब जो बहुत जल्दी अपने विचारों को बदलती है, ठीक है। चलिए अगला टर्म हमारा है आपका कैरिकेचर। तो कैरिकेचर के लिए ये जो इमेज है आप इसी से याद रख सकते हैं। कैरिकेचर मतलब होता है फनी ड्राइंग और पिक्चर ऑफ समबडी दैट एग्जैजरेट सम ऑफ देयर फीचर्स। तो जैसे आप लोगों ने अक्सर अखबारों में देखा होगा ना, कार्टून बनाते हैं किसी का भी, तो उसे कैरिकेचर कहा जाता है। किसी भी नेता, किसी भी पर्सन का जो कार्टूनिस्ट कैरेक्टर बनाया जाता है, दैट इज कॉल्ड कैरिकेचर। सिनोनिम हो जाएगा कार्टून, फार्स, जोक, मॉकरी, पैरोडी, शैम, ट्रेविस्टी। शी ड्रू अ विकेड फनी कैरिकेचर ऑफ द टीचर, टीचर का एक फनी कार्टून बनाया। नाउन हो जाएगा कैरिकेचरिस्ट, ठीक है। अगला टर्म है कास्टिगेट। तो कास्टिगेट बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, इसके सिनोनिम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। मतलब हो जाता है क्रिटिसाइज करना, क्रिटिसाइज समबडी समथिंग योरसेल्फ सीवियरली। अब इसके जो सिनोनिम्स बताएं उन्हें आपको याद करना है। बेस्ट, बॉल आउट, बिरेट, कॉल डाउन, चेस्टाइज, चिव आउट, ड्रेस डाउन, फ्ले, हैमर, लैम्बास्ट, हिट आउट, पुल अप, एडमोनिश, चाइड, रिप्रूव, कंडेम, सेंसर, एक्सकोरिएट, रिब्यूक, रेप्रीमांड, स्कोल्ड, रिप्रोच, टंग लैश, अपब्रेड एंड सेंसर। इतने सारे सिनोनिम्स हैं, याद सारे कर रहे हैं इसके, क्योंकि इसके बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। ये सारे टर्म्स पूछे जा चुके हैं, सारे के सारे एग्जाम में आ चुके हैं। तो जहां से मैं बता रहा हूँ उनको फिर से आप रिवाइज करिए और याद करिएगा। चेस्टाइज, चिव आउट, ड्रेस डाउन, फ्ले, हैमर, लैम्बास्ट, हिट आउट, पुल अप, एडमोनिश, चाइड, रिप्रूव, कंडेम, सेंसर, एक्सकोरिएट, रिब्यूक, रेप्रीमांड, स्कोल्ड, रिप्रोच, टंग लैश, अपब्रेड और सेंसर। ये सारे ही टर्म इंपॉर्टेंट हैं, इनको आपको याद रखना है। दो तीन बार आप देखिए, आप में से कई लोगों का सवाल यही होता है बार बार कि सर याद कैसे रखें इतनी सारी वोकैबुलरी। तो भाई याद करने का तरीका ये है, इस क्लास की PDF में दे देता हूँ, चाहे तो इसे प्रिंट आउट कर लो या फिर किसी रजिस्टर या फिर कॉपी में इनको नोट करते जाइए और रोज सुबह शाम, भाई सुबह से जैसे वो दवा होती है ना कि सुबह की गोली शाम की गोली, सुबह शाम आप रिवाइज करो, आपको याद रहेगा। सारी चीज़ें आप रिवाइज नहीं कर सकते, लेकिन एक एक पेज या एक एक दो दो पेज आप याद करोगे तो हो जाएगा। वीडियो को 2 से 3 बार देख लो तो भी याद हो सकता है। द प्रिंसिपल कास्टिगेट द स्टूडेंट हु हैव इंसल्टेड who has insulted his teacher, या students कर लीजिए तो ज़्यादा सही रहेगा। The principal castigated the students who have insulted the teacher will be right answer. Noun हो जाएगा castigator, किसी भी verb में अगर or लगा दे तो वो common noun बन जाता है, तो castigator इसका noun हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप याद रख सकते हैं इस mnemonic के जरिए, मैं mnemonic दे रहा हूँ, कोई image नहीं है। किसी की कास्ट पे कमेंट करोगे तो लोग तुम्हें कास्टिगेट करेंगे, लोग तुम्हें क्रिटिसाइज करेंगे। सो नेवर कमेंट ऑन somebody's कास्ट, ठीक है। तो उससे याद रख सकते हैं कास्ट, कास्टिगेट, ठीक है। अगला टर्म होता है हमारा कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का मतलब होता है अ सब्सटेंस दैट मेक्स अ केमिकल रिएक्शन हैपन फास्टर। तो हम लोगों ने केमिस्ट्री में ये टर्म पढ़ा होगा, केमिस्ट्री साइंस वाले बच्चों को आसानी से पता होगा ये टर्म। कैटलिस्ट का मतलब होता है जो भी चीजें, जो भी सब्सटेंस किसी भी रिएक्शन को तेज कर देता है और जल्दी कर देता है, तो उसे कहते हैं कैटलिस्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, द पब्लिक गैदरिंग्स इन इंडिया
worked as a catalyst to aggravate the situation of COVID-19. COVID-19 की स्थिति को बद से बदतर करने के लिए पब्लिक गैदरिंग्स जो इंडिया में हो रही थी उन्होंने उनमें एज अ कैटलिस्ट काम किया. दे एडेड फ्यूल टू द फायर, यानी कि वो उन्होंने दे एडेड फ्यूल टू द फायर, आग में घी डालने का काम किया, या फिर दे रब्ड सॉल्ट टू द इंजरी, यानी कि एक तरीके से घाव पे मरहम, घाव पे नमक लगाने का काम किया, यानी कि किसी स्थिति को बद से बदतर करने का काम किया. तो कैटलिस्ट मतलब किसी सिचुएशन को तेज कर देना. क्लोरीन विल एक्ट एज अ कैटलिस्ट, बहुत सिंपल सा है, आप लोगों को याद होगा. अगला टर्म होता है कैटेगोरिकल. कैटेगोरिकल इज एन एडजेक्टिव और इसी में एलवाई लग जाएगा तो ये कैटेगोरिकली बन जाएगा और कैटेगोरिकली का मतलब भी सेम ही होगा जो कैटेगोरिकल का होगा. मतलब होता है एक्सप्रेस्ड क्लियरली एंड इन अ वे दैट शोज दैट यू आर वेरी श्योर अबाउट व्हाट यू आर सेइंग, यानी कि बहुत ही क्लियरली स्टेट करना कि मतलब नहीं तो नहीं. That's called categorical. मतलब बहुत ही affirmative तरीके से कहना, बहुत ही assertive तरीके से कहना अपनी बात को. Synonym हो जाएगा thorough going, total, unadulterated. Adulterated मतलब मिलावटी, unadulterated मतलब without any mixed feeling. Unalloyed, unconditional, unmitigated, unqualified, utter very. ठीक है. They gave him a categorical assurance that he would not be hurt. यानी कि वो उन्होंने उसे categorical assurance दी, मतलब बिल्कुल साफ साफ कहा कि कोई बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा. ठीक है. Adverb क्या हो जाएगा? Categorically. तो categorical के लिए आप ये याद रख सकते हैं कि अमिताभ बच्चन categorically denied in this scene. तो कह दिया ना, बस कह दिया. तो यही है categorical, मतलब बिल्कुल क्लियरली स्टेट कर देना किसी बात को विदाउट एनी डाउट. ठीक, याद रखेंगे इससे. चलिए अगला टर्म होता है कैथारसिस. कैथारसिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म. कैथारसिस मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, फॉर एग्जांपल थॉरो प्लेज, फॉर एग्जांपल थ्रू प्लेज और अदर आर्टिस्टिक एक्टिविटीज एज अ वे ऑफ प्रोवाइडिंग रिलीफ फ्रॉम एंगर, मेंटल पेन एटसेट्रा. यानी कि अपनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को प्लेज या किसी शोज, किसी भी तरीके के आर्टिस्टिक एक्टिविटीज से, चाहे वो नाटक के जरिए हो, फिल्म के जरिए हो, किसी आर्ट फॉर्म के जरिए हो, कोई डांस के जरिए हो, कोई कला के जरिए हो, कविता के जरिए हो, अगर आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं तो उसे कैथारसिस कहा जाता है. समझ रहे हैं? तो कैथारसिस मतलब हो जाता है बहुत ही अपनी फीलिंग्स को किसी आर्टिस्टिक फॉर्म के थ्रू एक्सप्रेस करना. ठीक है. म्यूजिक इज अ मीन्स ऑफ कैथारसिस फॉर मी. तो मेरे लिए फिलहाल नहीं, बट मेरे लोगों के लिए म्यूजिक उनके इमोशंस को बाहर लाने का तरीका होता है. ठीक है. सो दिस इज कैथारसिस. आप इस पिक्चर को देख सकते हैं जिसमें ये जो एक्टर है बहुत ही तरीके से अपने गुस्से को एक्सप्रेस कर रहा है, तो आप उसको मेंटल सेटिस्फेक्शन इसके थ्रू हो सकता है. ये टाइटल गलत पड़ा है, कैथारसिस होगा ऊपर. अगला टर्म है आपका कैथलिक. Catholic is a very famous term. Catholic हम Christians के लिए आता है. Somebody who is belonging to or connected with a part of Christian church that has the Pope as its leader is called Catholic. तो Catholic मतलब हो जाता है आपका Christianity से related, all around, all purpose, general purpose, unlimited, unqualified, ये सारे हो जाएंगे. He was ordained a Catholic priest in 1982, यानी कि वो उसे Catholic priest बनाया गया था 1982 में. Verb हो जाएगा Catholicize. अगला टर्म होता है हमारा कॉस्टिक. कॉस्टिक सोडा होता है. कॉस्टिक मतलब होता है एबल टू डिस्ट्रॉय और डिसॉल्व. तो कॉस्टिक सोडा साबुन में होता है जो गंदगी को डिसॉल्व कर लेता है. कॉस्टिक मतलब होता है जो चीजों को डिस्ट्रॉय कर सकता हो या डिसॉल्व कर सकता हो. सिनोनिम हो जाएगा एसर्ब, एसर्बिक, एसिडिक, एसिड्यूलस या फिर एक्रिड, बार्ब्ड, बाइटिंग, कोरोसिव, कटिंग, मॉर्डेंट, पंजेंट, सार्केस्टिक, सार्डोनिक, सैटायरिक. He opened his mouth to make a caustic report. यानी कि उसने अपना मुंह एक caustic report बनाने के लिए खोला. Name हो जाएगा causticity. ठीक है. अगर आपको याद हो ये scene Breaking Bad का है. Breaking Bad में अगर आपको याद हो तो जो professor था वो एक special तरीके का hydrochloric liquid इस्तेमाल करता था जिसके through वो dead bodies को वो उसमें इस tub में डाल देता था और वो सारी dead bodies dissolve हो जाती थी. तो कॉस्टिक आप उसके थ्रू याद रख सकते हैं. कॉस्टिक मतलब हो गया समथिंग विच इज एबल टू डिसॉल्व और डिस्ट्रॉय. ठीक. अगला टर्म हमारा होता है आपका सेलिबेसी. सेलिबेसी का मतलब होता है द एबल द स्टेट ऑफ नॉट बीइंग मैरिड एंड नेवर हैविंग सेक्स स्पेशली फॉर रिलीजियस रीजंस. यानी कि जो सेलिबेसी प्रैक्टिस कर रहा हो स्पेशली फॉर रिलीजियस रीजंस, मॉन्क वगैरह को हम कहते हैं सेलिबेसी,
मॉन्क वगैरह के लिए सेलिबेट टर्म आता है, सेलिबेट इसका नाउन हो जाएगा, कॉमन नाउन, और सेलिबेसी इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। तो मतलब जो रिलीजियस रीजंस की वजह से सेलिबेसी प्रैक्टिस कर रहा है, यानी कि वो शादी नहीं कर रहा है और किसी भी तरीके के सेक्सुअल रिलेशनशिप में नहीं जाता है, उसे कहते हैं सेलिबेट, और इस प्रैक्टिस को कहते हैं सेलिबेसी। ठीक है, बैचलर मतलब हुआ जिसकी शादी नहीं हुई, वो करना चाहता है, लेकिन सेलिबेट वो करना ही नहीं चाहता। एब्स्टिनेंस, चैस्टनेस, चैस्टिटी, कंटिनेंस हो जाएगा। ठीक है, ही टुक अ वाव ऑफ चैस्टिटी एंड सेलिबेसी, यानी कि उसने बहुत ही पवित्र और सेलिबेसी का वाव किया है। ठीक है, अब भाई को याद रख सकते हैं, ही इज ऑल्सो प्रैक्टिसिंग सेलिबेसी, कॉफी विद करण में वो बता ही चुके हैं। ठीक है, खैर इट वॉज जस्ट फॉर अ जोक, तो कोई ऑफेंड ना हो जाना। अगला है सेंसर। सेंसर मतलब होता है क्रिटिसिज्म, हमने अभी इसके सिनोनिम्स देखे थे आपके कास्टिगेट में, तो सेंसर के लिए वहीं से याद रख सकते हैं, कंडेमनेशन, डिनंसिएशन, एक्सकोरिएशन, ऑब्जर्गेशन, रिब्यूक, रेप्रिमांड, रिप्रोच, रिप्रूफ, राइट एक्ट, स्ट्रिक्चर, एंटोनिम हो जाएगा, साइटेशन, कमेंडेशन, अप्लॉज, एंडोर्समेंट, एक्सटॉल मतलब होता है प्रशंसा करना। द अपोजिशन फोर्स्ड अ वोट ऑफ सेंसर ऑन द गवर्नमेंट्स फॉरेन पॉलिसी, गवर्नमेंट ने, द अपोजिशन ने एक निंदा प्रस्ताव पारित किया गवर्नमेंट की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर। तो ये सेंसर आप याद रख सकते हैं, क्रिटिसाइज करना। ठीक, अगला टर्म है सेरिब्रल। सेरिब्रल मतलब होता है रिलेटिंग टू ब्रेन, दिमाग से रिलेटेड को हम कहते हैं सेरिब्रल। तो सिनोनिम हो जाएगा ब्लू, गीकी, हाइब्रो, हाइब्रोड, इंटेलेक्चुअल, इंटेलेक्चुअलिस्ट, इंटेलेक्चुअलिस्टिक। एंटोनिम हो जाएगा एंटी इंटेलेक्चुअल, लोब्रो, नॉन इंटेलेक्चुअल, फिलिस्टीन। सी मेक्स सेरिब्रल फिल्म्स दैट डील विद इम्पॉर्टेंट सोशल इशूज, यानी कि वो ऐसे फिल्म्स बनाती है जो कि सोशल इशूज के साथ में डील करती है, और सेरिब्रल फिल्म्स होती हैं जिनमें दिमाग लगता है, जैसे टेनेट हो गई आपकी, तो ये बहुत ही सेरिब्रल फिल्म है। ठीक है, बाकी भाई की फिल्में भी बहुत ही सेरिब्रल होती हैं, मतलब जिनमें दिमाग लगता है। ठीक है, तो उसे भी आप याद रख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक, समझ आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट में जरूर बताना। अगला टर्म हमारा है शैग्रिन, लिखते हैं चैग्रिन, पढ़ेंगे शैग्रिन। शैग्रिन मतलब होता है फीलिंग ऑफ बीइंग डिसअपॉइंटेड और अनॉयड, आपसे किसी से निराश होना या नाराज होना या डिसअपॉइंटेड होना। ठीक है, सिनोनिम हो जाएगा डिसकम्फिचर, डिसअपॉइंटमेंट, डिसमे, डिससेटिस्फैक्शन, फ्रस्ट्रेशन, डिसकंटेंट, डिसग्रंटलमेंट, डिसप्लेजर, डिजेक्टेडनेस, ये सारे सिनोनिम्स हैं, याद रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, टू हर शैग्रिन नीदर ऑफ हर सन्स बिकेम डॉक्टर्स, यानी उसकी एक तरीके से श्योर टू हर शैग्रिन, यानी कि टू हर डिसअपॉइंटमेंट उसका कोई भी सन डॉक्टर नहीं बना। आप इस पिक्चर के थ्रू याद रख सकते हैं, इसमें त्रिपाठी जी कहते हैं रतिशंकर शुक्ला से कि आपसे बेटर उम्मीद किए थे। तो टू त्रिपाठी शैग्रिन रतिशंकर डिड नॉट परफॉर्म वेल, तो रतिशंकर ने काफ़ी ज़्यादा उन्हें डिसअपॉइंट किया। तो इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला टर्म होता है हमारा कैरिस्मा। कैरिस्मा इज अ वेरी गुड वर्ड, वेरी इंटरेस्टिंग वर्ड। द पावरफुल पर्सन क्वालिटी, पावरफुल पर्सनल क्वालिटी दैट सम पीपल हैव टू अट्रैक्ट एंड इम्प्रेस अदर पीपल, यानी कि लोगों में जैसे होता है ना कैरिस्मा, हिज कैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी, इसी का एडजेक्टिव बन जाएगा TIC लग के, कैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी, मतलब जो बहुत ही ज़्यादा आपको प्रभावित करे, आपको आकर्षित करे, और जिसको देख के जैसे आपके दिव्य कीर्ति सर, आप लोगों ने देखे होंगे दृष्टि IAS वाले, मतलब उनके वीडियो देखो तो ही आपको बहुत अच्छा लगता है। तो कैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी है उनकी, बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी जिसको आप देख के आप बहुत ही तरीके से प्रभावित हो जाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आता है कैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी। सिनोनिम हो जाएगा अल्योर, मैग्नेटिज्म, अपील, अट्रैक्टिवनेस, कैप्टिवेशन, चार्म, ड्यूनडे, एंचेंटमेंट, फैसिनेशन, फोर्स फील्ड, ग्लैमर। एंटोनिम हो जाएगा रिपल्शन, रिपल्सिवनेस। द प्रेसिडेंट हैज ग्रेट पर्सनल करिश्मा। ठीक है, बाकी आप खान सर को याद रख सकते हैं, करिश्मा ऑफ खान सर, मतलब उनको देखकर, उनकी बातों को सुन के ही बहुत कैरिस्मेटिक लगता है, बहुत ही प्रभावित करती हैं हमें उनकी बातें। ठीक है, तो आप यहीं तक हम इस वीडियो को रखते हैं, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है अभी तक तो भाई पाप कर रहे हो तुम, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो अगर आपने अनअकैडमी पर मुझे फॉलो नहीं कर रखा है तो वहाँ पे फॉलो करिए, डेली फ्री क्लास होती है वहाँ पर, उस पर आप फ्री क्लास अटेंड करिए 5 बजे, और अगर आप अभी तक मुझसे व्हाट्सएप पर कनेक्टेड नहीं है तो 8299117042 पे मुझे पिंग कर दीजिए, मैसेज डाल दीजिए, जिससे कि मैं आपका नंबर सेव कर लूँ और आगे के आपको मेरे अपडेट्स मिलते रहें, और AMANT मेरा रेफरल कोड है, इसे इस्तेमाल करके आप सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं।
तो अगर आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो इस कोड का इस्तेमाल करिए। साथ ही साथ फ्री क्लास 5 बजे देखिए डेली, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कोई आपका सजेशन है, सुझाव है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, उस पर आप अपना सुझाव दीजिए। व्हाट्सएप नंबर आपके लिए खुला है, उस पर आप अपना सुझाव दीजिए। वीडियो की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर जाइए, आज की PDF कल मिलेगी, कल की परसों, परसों की नरसों। ठीक है, तो अभी तक की वीडियो के लिए यहीं तक रखते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आया होगा। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ वेरी गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।